तो मैंने कहा आज के शो के कंटेंट के लिए बेस्ट ये रहेंगी मेरे लिए और बहुत आइडियाज भी देके जाएंगी। आइए वेलकम करते हैं कोमल अजीज। कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही है। आप भी बहुत ज्यादा लग रही हैं। ये भी जोड़ा हो अपनी ब्रांड का पहने उमर भाई को? लॉन्च नहीं हुआ लेकिन इंशाल्लाह लॉन्च होगा। वाह वाह वाह। और ये ज्वेलरी वगैरह पूरा तुमने पूरा सेटअप करके आई हो ईद पर, अगर क्योंकि गर्मी वाली ईद है ये ना, इसी वजह से मैंने देखे ये कपड़े भी ऐसे पहने हैं कि ब्रीदेबल हो। आपने भी वैसे ब्रीदेबल पहने हुए कि ये गर्मी में पहने जा सके। तो आजकल ऐसा मौसम है कि आप बहुत ज्यादा रेशमी कपड़े नहीं पहन नहीं सकते। तो कितना अच्छा आइडिया दिया हुआ है कि अगर आपने ये जोड़ा खरीदना है मेरा तो ये ज्वेलरी आप मैच कर लें, ज्वेलरी आप थोड़ी सी हैवी कर लें। हाँ। और कपड़ों को ऐसा कर लेंगे कि अगर आपको किसी बहुत अच्छी पार्टी पे जाना है वहाँ पे भी, लेकिन अगर नॉर्मल कोई हल्की फुल्की दावत है उसमें भी, इसको भी आप लिपस्टिक वगैरह मेकअप करके ज्वेलरी के साथ आप रात में भी जा सकते। ये एक चीज मुझे लगता है कि ये हमारी आवाम को भी थोड़ी सीखनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि कपड़े बहुत भरे हुए हों। कपड़े अगर हल्के हों तो आप एक्सेसरीज से बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। डे से नाइट पे आप लेके जा सकते हैं सिर्फ एक्सेसरीज और मेकअप और हेयर स्टाइल से चीजों। सो कोमल को बहुत शौक होता था हमेशा से, बचपन से कपड़ों का, नए कपड़े आएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कभी मैंने किसी को देखा है किसी को इतना शौक हो कपड़ों का। नहीं कहो, पहली बार मार भी इसी बात पे पड़ी है। मुझे बोलना भी नहीं आता था और मेरी एक पिंक फ्रॉक थी। हाँ। और मैं बोलना भी नहीं आता इस बच्ची को, वो यूं करके पॉइंट कर रही थी अम्मी को कि मैं कुछ और नहीं पहनूंगी, टैंट्रम थ्रो कर रही थी जब तक उन्होंने मुझे वो ड्रेस नहीं पहनाई। तो उन्होंने मुझे हल्का सा लगा भी दिया। और होता था कि हमेशा से खुद शॉपिंग करने जाती थी जब छोटी थी या अम्मी ने जो ला दिया वो पहन लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। नाक में दम किया था मैंने अपनी अम्मी का। अल्लाह। ईद बकरा ईद आए तो उन्हें पता है कि बाजार घुमा घुमा के ना कभी जूते मिलेंगे, ना कपड़े मिलेंगे, ना लेसें मिलेंगी। परेशान कर करके टेलर के पास कपड़े लेके जाना, उसके बाद एंड में रोना ही। जो विजन होता था ना वो पूरा नहीं हो पाता था। हाँ। तो उसकी वजह से बस उदास भी रहती थी। और फिर सख्ती थी घर पे। मुझे याद है कि तारिक रोड पे ना एक बार मुझे एक बड़ी प्यारी सी पिंक कलर की शलवार कमीज पसंद आई, ब्लू का कॉन्ट्रास्ट था उसमें, आज तक मुझे याद है। उसकी ना इतनी इतनी सी आस्तीन थी। अच्छा। अम्मी ने बोला बेटा ये तो नहीं आप पहन सकते, ये तो बिल्कुल स्लीवलेस हो गया, इतनी इतनी आस्तीन है आप नहीं पहन। कैप स्लीव चली थी, कैप स्लीव चली हुई थी, इतनी इतनी सी। अच्छा, अब मैं जिद की मुझे यही चाहिए। अम्मी जो है वो दुकानदार से लड़ना शुरू हुई, आप लोग किस तरह के कपड़े बनाते हैं इतने छोटे कपड़े, बेटी कह रही है कि यही पहनना है मैंने। मैंने हर हाल में जिद करके अम्मी ने मुझे नहीं दिलाया, बहुत बुरी बात है। बहुत ही ज्यादा मैं जिद्दी थी सब कपड़ों के मामले में, वरना मैं बहुत अच्छी बच्ची थी, पढ़ाई वगैरह में सब में बहुत अच्छी थी। घर जाके मैंने इतनी ज्यादा बदतमीजी की, मैंने अपने एक दो कपड़ों की आस्तीनें काट ली। मैंने कहा जब तक आप मुझे वो नहीं दिलाएंगे मैं अपने कपड़ों की आस्तीनें काट दूंगी। तो फिर बेचारी अम्मी ने मुझे वो दिलाया, वो इतनी इतनी सी आस्तीनें थी, बड़ी वो शर्मिंदा हुई कि ये बेटी को देखो इतनी इतनी आस्तीनें। अब हम शादी पे गए। शादी पे गए, मैं तो अपने आप को भी बड़ा अच्छा समझ रही हूँ, मैंने इतने फैशनेबल छोटी छोटी स्लीव वाले कपड़े पहने हुए। तो कुछ लड़के दूर से ना मुझे यूं पॉइंट कर रहे हैं। अम्मी ने कहा देखा पहनो ऐसे बेशर्म कपड़े, अभी सारे लड़के तुम्हें पॉइंट कर रहे हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, उन लड़कों की अम्मी आती हैं और अम्मी से आके बोलती हैं कि आप अपना नंबर दे दें, हम जो है वो रिश्ता मांगना चाहते हैं। मैंने कहा क्या से रिश्ता आ गया भाई, देखिए इतनी इतनी आस्तीनों में भी रिश्ता आ रहा है। तो If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.